यहाँ पे हाथ पे पैर पे क्या रिएक्शन रहेगा उस बाकी मैंने ऋषभ को समझा दिया हुआ है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, होप कि सब बढ़िया ही होंगे। बढ़िया ही होने चाहिए भाई। आज का सीन बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि काफी टाइम, एक मिनट गाइस, वो चेक कर रहे हो भाई, सिल्वर पे बटन भाई तुम्हारे पीछे लगा दिया और वो तिथि दी हुई थी, तिथि भी पीछे लगा दी है, बढ़िया लग रही है ना। तो गाइस आज का सीन ये है कि आज तुम्हारा भाई करने वाला है एक्सीडेंट प्रैंक। के लिए काफी लोग मुझे बहुत देर पहले से कमेंट करते थे कि भाई सांची के साथ एक एक्सीडेंट प्रैंक करो और फाइनली तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए आज एक्सीडेंट प्रैंक लेके आ गया। मेरे को नहीं पता भाई कैसा बनने वाला है, बट जैसा भी होगा आप लोगों को मजा आएगा। एक बार आपको सारा सीन समझा देता हूँ। सीन ये है कि देखो, हमने अपना गोप्रो लगा दिया हो भाई रिंग लाइट में, मतलब जैसे तैसे करके मैंने फिट कर दिया क्योंकि हमने शूट करना है कि उसको पता ना चले, ठीक है। तो कैमरा यहाँ पे लगा दिया हुआ है तो शायद वो नहीं देखेगी क्योंकि रिंग लाइट अगर हम यहाँ से कर देंगे ऑफ तो इतना पता नहीं चलेगा कि कैमरा अगर देख भी लेगी तो उसको पता नहीं चलेगा ये ऑन है या ऑफ है, ठीक है। अभी तो फिलहाल ऑन कर देते हैं। ओह माय गॉड। एंड गाइस मेरे इस मिशन में मेरा साथ देने वाले हैं भाई मेरे मित्र, इसका नाम है ऋषभ। ऋषभ अपना साथ दे रहा है इस मिशन में क्योंकि भाई मेरे को एक बंदे की जरूरत थी, तो अपना भाई आ गया हुआ है। सांची को फोन करेंगे, उससे पहले मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज भाई अपने हाथ पांव पे ना ड्रेसिंग वगैरह कर दूंगा नकली की, ठीक है। सर वगैरह में जहां जहां मेरे को सही लगेगा वहां पे ड्रेसिंग वगैरह कर दूंगा, ठीक है। बहुत सारा सामान मैंने लाया हुआ है, उसके बाद हम करेंगे भाई सांची को फोन। तो ये रही हमारी लूसी, सो जा, तेरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड गाइस अब थोड़ा बहुत रेडी हो जाता हूँ क्योंकि कपड़े तो चेंज करने हैं, मतलब उतना रेडी नहीं होना है मेरे को, बट नॉर्मल से कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, उसके बाद करेंगे भाई ड्रेसिंग वगैरह, उसके बाद आपको लुक दिखाऊंगा ड्रेसिंग होने के बाद मेरी कैसी लुक आती है, कैसा लगता हूँ मैं। तो गाइस फटाफट रेडी होने के बाद ड्रेसिंग करता हूँ और मिलता हूँ आपसे ड्रेसिंग करने के बाद। फाइनली अपने भाई ने भाई यहाँ पे बांध दी है, देख रहे हो भाई पट्टी बांध दी हुई है और ये दवाई लगाई है। थोड़ा बहुत रियल तो लग ही रहा है, ऐसा नहीं है कि रियल नहीं लग रहा है। अभी तो भाई और भी जगह बांधने वाले हैं तो अभी यहीं पे बांधी है। गाइस तैयार हो आप मेरी फाइनल लुक देखने के लिए? भाई भाई ये देखो, मैंने पट्टी इस हिसाब से आंख पे बांध के रखी है ना कि ऐसे लग रहा है कि जैसे आंख में सच में लगी है और आंख में स्वेलिंग हो गई है, देख रहे हो। तो भाई अभी तुम्हें और भी दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे मैंने पट्टी बांधी हुई। अभी मैंने सिर्फ पाँव में यहाँ पे बांधी है, ठीक है। ये आपको थोड़ा कलर में लग रहा होगा क्योंकि मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई हुई है, इसलिए आपको थोड़ा कलर अजीब सा लग रहा होगा, बट ये अजीब सा नहीं है। रियल में देखोगे भाई एकदम असली लगता है। यहाँ पे हाथ में ऐसे बांधी है कि यहाँ पे लगी है और बाजू में ऐसे बांधी हुई है, यहाँ पे हाथ पे पैर पे और भाई सर पे। सर वाली तो मेरे को इतनी रियल लग रही है। ऋषभ बाल हटाना जरा। तो गाइस यहाँ से देखो लग रहा है ना एकदम असली, और मैंने पट्टी उसी हिसाब से बांधी है कि ना आंख में ऐसे लग रहा है स्वेलिंग हो गई है। बस छोड़ दे भाई, छोड़ दे। तो गाइस अब मेरे को नहीं पता प्रैंक कैसा होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई सांची को पता चल जाए कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ, बट कोशिश तो यही करेंगे कि पता नहीं चलेगा। बस पता चल नहीं रहा क्यों ऋषभ, क्या लगता है तेरे को? नहीं पता चल रहा ना। तो गाइस पता तो नहीं चल रहा क्योंकि एकदम रियल लग रहा है। तो अब हम करने वाले हैं सांची को कॉल, उसे बताने वाले हैं, तो देखते हैं क्या रिएक्शन रहेगा और शायद वो आ जाएगी, उसे बुलाऊंगा ना मैं। गाइस सर पर चक्कर आ रहा है, गाइस चक्कर जैसे आ रहा है। तो गाइस अब करने वाला है ऋषभ सांची को कॉल और कॉल करके बताने वाला है, इसे मैंने बता दिया भाई क्या क्या बोलना है, तो ये वही वही बोलेगा। देखते हैं अब सांची क्या बोलती है। हेलो फ्रेंड, वो एक्चुअली वो मानिक का आज सुबह एक्सीडेंट हो गया था, मैं साथ में था तो उसको हम डिस्पेंसरी में लेके गए थे, तो अभी जस्ट उसको अभी वापस लाया है, तो इस वजह से कॉल किया मैंने आपको, इन्फॉर्म कर देता हूँ। आप डर गए होगे इसलिए। एक्चुअली वो हम सुबह व्लॉग बनाने के लिए जा रहे थे तो उनका सिदरा में स्लिप हो गया, वहाँ पे ट्रक आ गया था बीच में, तो टायर स्किट हो गया, तो उसकी वजह से उसको थोड़ी इंजरी हुई है, सिर में हाथ में और थोड़ी पैर में इंजरी हुई है उस वजह से, तो हम उसको डिस्पेंसरी लेके गए थे। उसका फ़ोन भी टूट गया पूरा, तो उस वजह से कॉल पिक नहीं हो रही थी। मैं हम उसको घर पे ले आए हैं, वो थोड़ा रेस्ट कर रहा है, तो अगर आप आ सकते हो अभी तो आ जाओ फिर उससे मिलने के लिए। ओके ओके। ओ भाई ये लोड द एक्टर है, एक्टिंग देखी गाइस आपने इसकी, कितनी खतरनाक एक्टिंग की भाई। वो रोने तो नहीं लग गई थी? नहीं नहीं रो नहीं रही। पक्का? मेरे को ऐसा लग रहा था भाई वो रोने लग जाएगी। उसने यही बोला ना लास्ट में कि मैं भी आ रही हूँ, है ना। तो गाइस फाइनली वो आ रही है। मेरे को हंसी आ रही है कि यही क्या कर रहा हूँ मैं। तो गाइस बहुत दर्द हो रहा है, मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। तो गाइस अब सांची आएगी, उसके बाद मिलते हैं। बाकी मैंने ऋषभ को समझा दिया हुआ है, तो अब वेट करते हैं भाई सांची के आने का। गाइस
फाइनली मैं अभी भाई ऐसे लेटा हुआ हूँ बेड पे, ठीक है, और ऐसे रह रहा हूँ, लग रहा है ना कि इसमें एक्सीडेंट हुआ है। तो गाइस ये सब मैं कर रहा हूँ आपके लिए क्योंकि काफी लोगों ने पहले से कमेंट करके बोला था कि भाई एक्सीडेंट प्रैंक करो। तो भाई अब इसका रिजल्ट जो भी होने वाला है ये सब तुम्हारी वजह से होने वाला है। तो सांची आने वाली है, सिर्फ 5 मिनट तक वो पहुंच जाएगी। आजा सांची। ठीक है मानी सांची है। क्या हुआ है? गिर गया यार, एक्सीडेंट हुआ था सुबह। तो किसने बोला था तेज चलाने के लिए? खाली अब तेज। सिर पर कैसे हेलमेट नहीं पहनी थी? क्यों? मैं ऐसे ही गया था व्लॉग शूट करने के लिए थोड़ा सा। तो अच्छा, व्लॉग शूट करने के हेलमेट नहीं पहनी। हुआ कैसे कहाँ भैया? हुआ कैसे यार ये? ना फोन उठा रहे हैं सुबह से, ना मैसेज का आंसर। दिमाग मेरा बताओ कितना खराब हो गया था कि क्या हो गया? फोन टूट ही गया भैया ने नहीं ना बताना था, मेरे को पता भी नहीं चलना था अभी तक। मैं अपनी गलती की वजह से नहीं गिरा था यार, स्कूटी वाला आगे आ गया था और एक साइड में ट्रक था। तो अभी पुलिस केस भी हुआ पता सर, वो जो दूसरा बंदा है ना जिसके साथ टक्कर लगी मेरी, वो हॉस्पिटल में है। तो मैं तो जैसे तैसे करके आ गया। तो बाइक पे? बाइक भी लगी है, बाइक टोटल लॉस हो गई है। तो पहले एक चीज बताओ ना, हेलमेट कहाँ थी आपकी? यार ऐसी मैं व्लॉग शूट करने भी नहीं गया था, मैं रील बनाने के लिए गया हुआ था, सिर्फ रील। व्लॉग तो तेरे साथ ही शूट करना था ना। मम्मा को पता? मम्मा घर पे ही नहीं, कल से मामू के घर पे हूँ मैं। उनको कैसे बताता? 12 बजे का हुआ है और अब 2 बज रहे हैं। बाइक उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ ली थी मेरी वहाँ पे। बाइक तो चलने की कंडीशन में नहीं थी, टोटल लॉस हो गई थी बाइक। नहीं अगर भैया भी साथ नहीं होते हाँ, फिर क्या करना था? यह जानबूझ के थोड़ी गिराया, गिर गया। कितनी बार बोला हेलमेट के बिना नहीं निकला करो, क्या है? मेरे को ना फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मेरे को पैर में और हाथ में दर्द है बहुत ज़्यादा। और चलाते हैं, उड़ो ना। मैं ठीक हूँ यार, इतनी नहीं लगी है। तो ये इतनी नहीं तो ये क्या है? आईब्रो में ज़्यादा लगी है, यहाँ पे कट लगा हुआ है और 3 टांके आए हैं यहाँ पे। मतलब टांके आने थे 3 बट मैंने लगवाए नहीं है क्योंकि वो कहते कि निशान पड़ जाएगा। मन तो कर रहा और मारूं ऊपर। तो ना यहाँ इस वाले आईब्रो से यहाँ से यहाँ तक कट बजा हुआ है। आँख में स्वेलिंग लग रही है ना, उसकी वजह से मम्मी ने तो बहुत गालियाँ दे दी हैं। बताऊँ मैं? मम्मी को पता ही नहीं कि मैं क्या हूँ। बुलाऊँ मैं? पढ़नी चाहिए ना। चलो कोई नहीं, बच गया ना। यार बाइक टूट गई यार ऋषभ। कोई नहीं, बाइक आ जाएगी यार। बाइक की बात छोड़ो, अपना देखो। मैं तो ठीक हूँ यार, थोड़ी बहुत। अभी तो कल बोल रहे थे डेली व्लॉगिंग करूंगा आपसे, अब उसका भी कोई चक्कर नहीं है, बैठो रेस्ट करो, बट अपना तो ध्यान रखो ना। गिर गया, अब क्या करो? वो क्या करो, पड़े रहो बेड पर। बाइक को कम से कम भी 1 महीना लगेगा ठीक होने में। बाइक को पता क्या हुआ है, आगे वाला पूरा हिस्सा ही टूट गया उसका, टायर अलग हो गया। मैं सोच रहा था चल उठा के देखी बाइक मैंने कि चल थोड़ी बहुत ठीक है, चलता हूँ फटाफट, वो चलने की कंडीशन में थी नहीं। और वहाँ पे 5 मिनट के अंदर पुलिस वाले पता नहीं कहाँ से आ गए, लोग इतने इकट्ठे हो गए थे। मेरी गलती नहीं थी यार, मोड़ पे ना मैं लीन मार रहा था ना, एक साइड वाला स्कूटी वाला था, स्कूटी वाले के आगे खड्डा था एक, उसने खड्डे से बचने के लिए यहाँ पे कट मारा मेरी साइड, बट पीछे मैं था उसके और मेरे साथ ट्रक वाला था। अब मैं तो इस तरफ मार नहीं सकता था क्योंकि इधर ट्रक था ना, तो वो सीधा बजा मेरे टायर में आगे वाले में, और वो बजा पोल के साथ, उसको सर में लगी है और उसको यहाँ पे घुटने में लगी है। मेरे को घुटनों में नहीं लगी थी, मुझे सबसे ज़्यादा पैर में लगी है और हाथ में लगी है और यहाँ पे लगी है। वो हाथ में इतनी दर्द हो रही है यार, हाथ हिला नहीं जा रहा मेरे से, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है यार। ऋषभ उसने ना ये वाली ड्रेसिंग सही नहीं की है सर, कोई खोल के करनी पड़ेगी। खोलेगा इसको यार, खोल के ना फिर से बांध इस पर, वो दवाई लगा के ना फिर से बांध दे प्लीज़ यार, तू खोल दे यार। यहाँ पे ना पूरी स्किन निकल गई थी बाहर पता है, ये डर गया था देख के। अब यहाँ पे ना दवाई लगा के आस्ता आस्ता आस्ता
ओह शिट, यहाँ पे थोड़ी लगी थी, यहाँ पे लगी थी। अच्छा क्या लगा तेरे को, क्या लगा तेरे को, पता है कितना टाइम से मैंने तेरे पे प्रैंक नहीं किया था यार। लग रही है इतनी जोर से बाल कौन खींचता है यार। मेरा ना पुलिस केस हो गया यार, मेरे को बहुत टेंशन है। तो कैसी लगी? तो गाइस अपना प्रैंक रहा सक्सेसफुल, तो भाई अभी से दवाई लगी इसमें। तो गाइस अभी से लाइक कर दो वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अभी इसका रिएक्शन देखो, तुझे वो कैमरा नहीं दिखा था यार, इसको कैमरा दिखेगा कैसे क्योंकि इसने वहां पे नजर ही नहीं मारी जब से आई है। सॉरी यार। अच्छा मेरी बात सुन, लग रही है मेरे को गाइस। गाइस हां बड़ी दर्द है, बड़ी दर्द है गाइस, पांव में बहुत दर्द हो रही है गाइस। यार तू क्या कर रही है? लगेगा ही नहीं कि वो प्रैंक है, वो इतना खतरनाक होगा। अच्छा ओए भाई लग रही है यार, सांची क्या कर रही है? तो गाइस आई होप आपको मेरा प्रैंक अच्छा लगा हो। तुम्हें बिल्कुल भी शक नहीं हो कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ? सही में सुबह से सिचुएशन ऐसी बनी थी। तो गाइस सुबह से मैं इसका फोन ही नहीं उठा रहा था, इसको ना इसके मैसेज का रिप्लाई कर रहा था, तो इसको लगा था सच में कुछ हुआ हुआ है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो भाई प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। एंड गाइस हाँ इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो यार, क्योंकि वहाँ पे नए नए अपडेट आपको देता रहता हूँ मैं। तो इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट मस्त ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। I could deny you, I could try.